हे गाइस, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ योनो कैश के बारे में। योनो कैश की मदद से आप कार्ड क्लोनिंग वगैरह जैसे फ्रॉड से बच सकते हैं। तो योनो कैश शुरू करने से पहले आप योनो ऐप आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। योनो ऐप में जाएंगे, अपना एम पिन डालेंगे। एम पिन डालने के बाद आपको योनो कैश में जाना है। योनो कैश में ATM वाले ऑप्शन पर जाना है, जिसमें पर डे के लिमिट 20,000 है। तो मैं निकालने जा रहा हूँ आज लगभग 9,000 रुपीज़ अपने अकाउंट से बिना ATM कार्ड के, क्योंकि ATM कार्ड यूज़ करने से काफ़ी तरह के फ्रॉड हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्रिएट पिन करना पड़ेगा, योनो कैश पिन फॉर द ट्रांजेक्शन्स। तो यहाँ पे आपको 6 डिजिट का पिन को डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप अपना अकाउंट नंबर, आपका जिससे आप पैसे निकालेंगे वो ATM मशीन के थ्रू पैसे निकालेंगे, अमाउंट 9,000 और योनो कैश पिन जो आपने बनाए हैं। उसके बाद आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक 4 डिजिट का पिन चला जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, मुझे भी SMS के थ्रू एक पिन जनरेट हो चुका है। तो यहाँ पे जो पिन जनरेशन का है, वो पिन जनरेट होने के आप 4 घंटे बाद तक ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कर सकते हैं। इसके लिए आपको योनो इनेबल्ड, जो जिस पे ATM पे योनो कैश की फैसिलिटी अवेलेबल है, उसी से आप ये पैसा निकाल सकते हैं। तो यहाँ से फ़िलहाल लॉग आउट हो जाते हैं और चलते हैं ATM मशीन पे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये नंबर जनरेट होने के बाद आपको एक SMS प्राप्त होगा 6 डिजिट का, सॉरी मैंने पहले 4 बोला था, 6 डिजिट का एक योनो कैश ट्रांजेक्शन नंबर जनरेट होगा जो 4 घंटे तक वैलिड रहेगा। तो इस SMS को लेके आपको जाना है ATM मशीन पे, जहाँ पे योनो कैश फैसिलिटी अवेलेबल है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे योनो कैश की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो यहाँ पे मेरे को बोल रहा है कैश ट्रांजेक्शन नंबर, जो कि मुझे प्राप्त हुआ है SMS के थ्रू। तो मैं यहाँ पे 6 डिजिट का अपना कैश ट्रांजेक्शन नंबर फिल करूँगा, उसके बाद करूँगा कन्फर्म। अब ये अमाउंट पूछ रहा है, तो मैंने 9,000 के लिए जनरेट किया था, तो 9,000 डालता हूँ यहाँ पे। अब ये दिखा रहा है योर ट्रांजेक्शन इज बीइंग प्रोसेस्ड। अब ये मांगेगा 6 डिजिट योनो कैश कोड, जो आपने कैश कोड 6 डिजिट का जनरेट किया था आपके SMS से पहले, जो आपने 6 डिजिट कोड जनरेट किया था वो यहाँ पे फिल करना है। जो वहाँ डालोगे वो भी यहीं पे डालोगे, दोनों चीज़ें मैच होनी चाहिए। अब इसके बाद आपकी ट्रांजेक्शन प्रोसेस हो रही है, थोड़ी देर में हमारा कैश निकल के बाहर आ जाएगा, जैसे कि ATM कार्ड यूज़ करने के बाद आता है। तो ये पे विड्रॉल सक्सेसफुल हो चुका है मेरा, तो मैंने भी ये फर्स्ट टाइम किया है। तो ऐसा करने से आप काफ़ी तरह के कार्ड फ्रॉड से बच सकते हैं, जो कि आजकल नॉर्मल हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।